Hey guys, मैं डॉक्टर सिमरन और मैं हूँ आपकी हेयर और न्यूट्रिशन गाइड. गाइस, बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं अपने डाउट्स लेके रिगार्डिंग दी क्लोरीन इन स्विमिंग पूल्स. क्लोरीन एक केमिकल है जो कि स्विमिंग पूल्स में डाला जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट, ताकि जो जर्म्स हैं वो मर सकें और कुछ इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं स्टेबल पानी में वो कम हो सके. तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या क्लोरीन हमारा हेयर लॉस करवाती है. तो गाइस, अगर क्लोरीन की बात किया जाए तो क्लोरीन एक कोरोसिव केमिकल है जो कि हमारे हेयर के स्ट्रक्चर को डैमेज करता है. बेसिकली क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन कुछ सिचुएशंस में हाइपोक्लोरस एसिड भी प्रोड्यूस कर जाता है जो कि अपने सेल्स को पेनिट्रेट करके सेलुलर डैमेज भी करता है. गाइस, उन लोगों को इस चीज़ का ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है जो कि प्रोफेशनल स्विमर्स हैं या जो लोग ज़्यादा लंबे समय तक पूल्स में प्रैक्टिस करते हैं. तो गाइस, क्लोरीन की अगर बात की जाए तो रिसर्च में प्रूव हुआ है कि क्लोरीन जो है हमारे हेयर लॉस नहीं करवाता, बट इन फैक्ट ये हेयर डैमेज ज़रूर करवाता है. हेयर डैमेज से आई मीन के बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है और कोर स्ट्रक्चर कर देता है और स्प्लिट एंड्स भी इंक्रीज करता है. उस ड्राइनेस से हमारे बाल टूटते हैं और हमें लगता है कि हमारा हेयर लॉस हो रहा है. तो गाइस, इसको प्रिवेंट करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे आप क्लोरीन रिलेटेड जो हेयर डैमेज है उसको कम कर सकते हैं. सबसे पहले चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि पूल में उतरने से पहले आपको अपने बालों को थोड़ा फ्रेश वाटर से गीला करना है. जब भी आप अपने बालों को गीला करते हैं तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो जो पानी है उसके बालों की लेयर पे चिपक जाता है. तो इससे क्या होगा, जो क्लोरीन है हम पूल में उतरते हैं तो क्लोरीन एब्जॉर्ब नहीं होगा आपके हेयर में. दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम स्विमिंग कैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमारे बाल कॉन्टैक्ट में ही नहीं आएंगे क्लोरीन से. तीसरी चीज़ ये है कि आपको हर स्विमिंग सेशन के बाद अपने बालों को अच्छे से शैम्पू से धोना है और एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन रिच कंडीशनर अप्लाई करना है ताकि जो भी ड्राइनेस या डैमेज हुई है वो रिपेयर हो सके. सो गाइज, आई होप मैंने आपके क्लोरीन को लेके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर किए हैं. अगर आपको और कुछ डाउट्स हैं तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कीजिए और हमारी ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.